इसको अस्पताल रोड पर न उतारा जाए, इसको सीधे जिला परिषद और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की जो रोड आती है इसको वहां उतारा जाए। और दोस्तों आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज और मैं हूं संजीव गंभीर। पेश है आज की खास खबर। हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और हाँ बेल आइकन प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं उन व्यक्तियों को, उन अधिकारियों को, उन जनप्रतिनिधि को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने ये बात सोची। और मैं ये भी जानता हूँ कि ये सोच उनके दिमाग में क्यों, किस तरह से आई, क्यों आई। इसलिए आई कि सामंतगंज में फ्लाईओवर बन गया, जिसको लोग असंभव समझते थे कि कभी नहीं बनेगा और ये केवल चुनावी घोषणाएं हैं और ये एक फिजूल की बातें हैं। इसके बावजूद भी हमने 11-12 महीने में फ्लाईओवर बनाकर तैयार करके दे दिया 1.2 किलोमीटर का। तो यदि इच्छा शक्ति है तो सब कुछ संभव है, और इच्छा शक्ति नहीं है तो कोई संभव नहीं है। हाँ, वहाँ पर व्यापारियों से बाकायदे से बैठ कर बात करिए, उनके नफे नुकसान की बात करिए और उनको पूरा संतुष्ट करिए। सामंतगंज में भी पहले बहुत विरोध था, उनके साथ कम से कम हमने 10-15-20 मीटिंग करके उन सब सारी बात समझाई, और समझाने पर सबसे पहली बात हमने समझाई कि हम किसी की दीवार के हाथ नहीं लगाएंगे, छज्जा जरूर टूटेगा। लोगों ने सहमति दी और उस वादे को हमने पूरा निभाया। एक स्थिति आई कि जिसमें थोड़ा प्रॉब्लम आई, लेकिन वो स्थिति में भी काबू में आ गई और किसी की दीवार नहीं तोड़ी गई, छज्जे उसमें जरूर टूटे। तो इसी तरह से सबसे पहले वहाँ के व्यापारियों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, अन्यथा ये कार्यक्रम सफल नहीं होगा। और यदि 9 मीटर से कम जगह है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, तब बनने में मुश्किल आएगी, बनाना संभव नहीं होगा, क्योंकि 9 मीटर जगह जरूरी है होना। और यदि ये 9 मीटर जगह नहीं होती तो फिर अंडरपास की बात सोचें, अन्यथा यदि आप में इच्छा शक्ति है और आप वहाँ के व्यापारियों से उनके नफे नुकसान को देखते हुए बात करें, और फिर इसकी अवधि ये ना हो कि पहला पिलर खुद गया और 5 साल लग गए, जैसे कि जो है वो आपने देखा कि ये IVRI जो है वो 4 साल लटक गया। इस तरह उसको ना लटकाएं, उसको वार फुटिंग पर लें और धन की उपलब्धता रहे और वो 1 साल के अंदर अंदर फ्लाईओवर बन के तैयार हो सकता है। क्या राजकीय इंटर कॉलेज वाले रोड से? हाँ, इसको अस्पताल रोड पर ना उतारा जाए, इसको सीधे जिला परिषद और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की जो रोड आती है इसको वहाँ उतारा जाए, और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की बाउंड्री से इधर जो नॉवल्टी से रोड जाती है उससे पहले ख़त्म कर दिया जाए। ट्रैफिक को नॉवल्टी चौराहे से लेफ्ट को डाइवर्ट कर दिया जाए, इस रोड को यहाँ से नॉवल्टी से लेके और फ्लाईओवर तक इसको चौड़ा किया जाए, भले हमें थोड़ी जगह गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की लेनी पड़े, इसको चौड़ा करके ये रास्ता इधर से दिया जाए और फ्लाईओवर पे चढ़ के आदमी सीधा जाएगा। जिला अस्पताल को डिस्टर्ब ना करते हुए इसको बनाया जाए, जिला अस्पताल की जगह की तरफ वही जाए जो जिला अस्पताल जा रहा है या उधर मार्केट में जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि एम्बुलेंस अगर पिलर के पुल के गोले बन जाएंगे तो एम्बुलेंस का आवागमन भी बाधित हो सकता है। नहीं, वो एम्बुलेंस का तो अतिक्रमण हट जाएगा तो इतना बाधित नहीं होगा, लेकिन जब वहाँ पर बनेगा तब तो कम से कम 4-6 महीने बाधित रहेगा, पूरा अस्पताल थोड़े बंद कर देंगे आप 6 महीने को। तो उसको डिस्टर्ब ना करते हुए फ्लाईओवर को सीधे उतारें, इधर से उतारेंगे तो आप जो है कुतुब खाने पर जाकर के जहाँ घंटा घर है वहाँ पर एक मोड़ देंगे राइट एंगल का, वो एक एक्सीडेंट पॉइंट बनेगा ऊपर, जो गलत होगा। इसको सीधा उतारना चाहिए।